मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू के टशन का एक नया वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे केंद्रीय मंत्री फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के स्टाइल में स्टंट करते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे इन्होंने एक ही झटके में अपने पैर से बॉटल का ढक्कन खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री के इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को खूब लाइक्स मिल रहे हैं। आम के दीवानों के लिए खास खबर है लखनऊ से। यहां पर 3 दिन तक चलने वाला आम महोत्सव शुरू हो चुका है। आम महोत्सव में प्रदेश भर से आम उत्पादों को पहले ही न्योता भेज दिया गया था। आम महोत्सव में अमरोहा के दशहरी, चौसा, लंगड़ा जैसे वैरायटी के आमों में अपनी मिठास बिखेरी। इस महोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने अलग अलग वैरायटी के आमों की खासियत जानी और उत्पादों को प्रोत्साहित किया। 14 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नया क्रेज देखने के लिए मिल रहा है। कांवड़ यात्रा से पहले पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली टी शर्ट डिमांड में आ गई है। कोविड महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से कांवड़ यात्रा नहीं हो पा रही थी और जब अब हो रही है तो सहारनपुर के होजरी कारोबारियों में काफी उम्मीद इस वक्त जगी हुई है कारोबार को लेकर। ओस्लो के सामने हर रुकावटें हार जाती हैं, इसको सच साबित करती ये तस्वीरें आई हैं उत्तरकाशी से। यहां 12 महिलाओं की टीम ने हिमालय को फतह करने की ठान ली है और हैरानी की बात यह है कि सभी महिलाएं 50 साल से ज्यादा की उम्र की हैं। 5 महीने के लंबे इस मिशन में पद्मभूषण बच्छिंद्री पाल के नेतृत्व में ये टीम करीब 5000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और 37 पहाड़ी दर्रों पर पार करने जा रही है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित किया गया है। आपने अभी तक सिर्फ इंसानों में देखा या सुना होगा कि बच्चे अपनी मां के नाम को जानते हैं, लेकिन आगर मालवा जिले की ये तस्वीर जहां पर एक ऐसा गांव है जहां पर गायों के बछड़े अपनी मां को न सिर्फ नाम से पहचानते हैं बल्कि नाम पुकारने पर मां के पास दौड़े चले आते हैं। ममता का यह अनूठा दृश्य सभी का मन मोह लेता है। यहां पर सैकड़ों गाय हैं और सभी गायों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन ग्वाला जिस गाय का नाम देता है उसी का बच्चा अपनी मां के पास दौड़कर चला आता है। मध्य प्रदेश के बैतूल में मछली पकड़ने गए युवक के लिए देवदूत बनी एसटीएफ की टीम। यहां मछली पकड़ने का आया एक युवक अचानक बाढ़ के आने से नदी में फंस गया था और इस दौरान युवक 6 घंटे तक नदी के बीच में एक चट्टान पर बैठा रहा। एसडीआरएफ की टीम को जब इस घटना की खबर लगी तो वो इस युवक को बचाने के लिए निकल पड़े और सोमवार की रात टॉर्च की रोशनी में रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर युवक को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया। कहते हैं कि किसी काम को अगर सच्चे लगन से किया जाए तो कितनी भी रुकावटें आए वो काम पूरा जरूर होता है। कुछ ऐसे ही जज्बे का उदाहरण पेश किया है मलंगगढ़ के युवाओं ने, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मलंग घाटी में फंसे हुए बछड़े को मौत के मुंह से बाहर निकाला। बैंक में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने का बेहतरीन मौका है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS के माध्यम से देश भर के बैंकों में क्लर्क के 6035 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए IBPS ने प्रक्रिया शुरू कर दिया है, तो अगर आप भी बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं।